हाथरस में 19 वर्षीय युवती के साथ रेप और मर्डर मामले के खिलाफ रोष की भावनाएं अब देवभूमि हिमाचल में भी देखने को मिल रही हैं। उपायुक्त कार्यालय परिसर बिलासपुर में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा स्थानीय लोगों के साथ मिलकर जहां पीड़िता की आत्मशांति की प्रार्थना की गई, तो साथ ही उपायुक्त राजेश्वर गोयल के माध्यम से राष्ट्रपति को एक मांग पत्र भी भेजा गया, जिसमें आरोपी बलात्कारियों को फांसी की सजा देने की अपील की गई। उत्तर प्रदेश में महिला की सुरक्षा के लिए कड़े इंतजाम किए जाने की अपील भी ज्ञापन में लिखी थी। जिला कांग्रेस कमेटी के महासचिव संदीप संख्यान ने पूरे मामले पर दुख जाहिर करते हुए पीड़ित मृतिका का उनके परिजनों द्वारा आत्म संस्कार तक न किए जाने को जंगल राज बताया, जिससे देश की सारी जनता आहत हुई है। वाल्मीकि समाज से ताल्लुक रखने वाले स्थानीय महिला रंजनी पीड़िता के लिए भावुक उठी और उसने यूपी सरकार को घेरते हुए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने के बावजूद आज महिलाओं व लड़कियों की सुरक्षा को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछे। उन्होंने महिलाओं को खुद की सुरक्षा के लिए सरकार पर निर्भर रहने की बजाय अपने पर्स में रिवॉल्वर तक रखने की हिदायत दी, ताकि कोई भी दरिंदा उनकी असमत से ना खेल सके। हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं और बहुत ही दुख की बात है ये कि एक बेटी के साथ इतना बड़ा अपराध हुआ है। मैं कोई शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकती हूँ यहाँ पे, क्योंकि देखो किसी की भी बेटी हो, चाहे वो किसी हिंदू की है, मुसलमान की है, या वो किसी बड़े ठाकुरों की है, या किसी की भी है, या दलित की है, बेटी तो आखिर बेटी है ना, उसकी इज्जत तो एक इज्जत होती है ना। तो समाज में सभी बेटियों की अगर इज्जत नहीं करेंगे तो समाज में ऐसे तो लड़की पैदा होनी ही बंद हो जाएगी। ऐसे तो बोलते हैं कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो वो बेटियों की जो सम्मान है, तो वो बेटियों का सम्मान आज कहाँ पे है। और मैं योगी नाथ जी से पूछती हूँ कि योगी जी, रात के 12 बजे किसकी इजाजत से जो यूपी पुलिस है उसने उनको जलाया, उस बेटी को वहां पे ले जाके उसको जला दिया। उसके घर वाले रोते रह गए, उन्होंने कहा कि हमारी बेटी को हमें दे देते, कम से कम क्या उनको अपनी बेटी को अंतिम संस्कार देने का भी हक नहीं था। तो क्या ऐसे हमारा समाज ये ऐसे कैसे आगे बढ़ेगा जिस प्रकार से ये घटनाएं हो रही है। और ये बहुत ही बड़ा एक अपराध है, इस तरह से कहीं भी माँ या बेटी बहन कहीं भी सुरक्षित नहीं है। ऐसे तो बोलते हैं कि बेटियों को ये करना चाहिए, बेटियों को, मैं तो ये कहती हूँ कि बेटियों को जैसे पर्स के अंदर एक मेकअप का सामान वो रखती हैं, वो सामान ना रख करके एक रिवॉल्वर रखें पर्स के अंदर। जब उनसे पूछा जाए कि बेटा तूने ये रिवॉल्वर क्यों रखा है, तो वो बोले कि मैंने ये रिवॉल्वर इसलिए रखा है ताकि मैं ऐसे दरिंदों को मेरे पास आने से पहले उन्हें शूट कर दूं, क्योंकि ये सरकार जो है ये हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती है, ना हमारी रक्षा कर सकती है और ना ये हमारा कुछ कर सकती है। तो इसलिए हमें ये रिवॉल्वर रखना चाहिए और बेटियों के लिए ये कंपल्सरी करना चाहिए कि उनको एक रिवॉल्वर रखने की इजाजत दी जाए और उनको ये हक होना चाहिए, वो अपने समाज अपने सम्मान के लिए वो उनको शूट करे। और मैं पूछती हूँ योगीनाथ जी से कि योगीनाथ जी, आपके इलाके में ही गाड़ियां पलटती है, विकास दुबे का एनकाउंटर हो सकता है, तो इसका एनकाउंटर क्यों नहीं हुआ? इनको अब एनकाउंटर होना चाहिए, इनको भी सजा देनी चाहिए। इनको चौराहे पर खड़ा करके इनकी एक एक पांव एक एक आंखें निकाल के इनको चौराहे पर फांसी दी जाए। इनको उसका हम पूर्णतः विरोध करते हैं और खंडन करते हैं। इट इज़ ए हीनियस क्राइम विच एवर नेवर हेल्ड इन इंडिया। मैं ये चाहता हूँ कि वो जो भी दोषी हैं इस घटना के, उनको फांसी की सजा दी जाए। आज इसी संदर्भ में हम सारे लोग इकट्ठे हुए हैं, हमारे साथ मातृशक्ति भी है, हमारे साथ हमारे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी हेमराज जी भी हैं, हमारे साथ हुसैन अली जी भी हैं। हम आज जो है वो जिलाधीश महोदय के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति जी को एक ज्ञापन देने जा रहे हैं, और उस ज्ञापन का जो हमारा इशू रहेगा बेसिकली कि हिंदुस्तान के अंदर जिस तरह की ये घटनाएं हो रही हैं, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हैं। मनीषा वाल्मीकि जिस लड़की का नाम था, बहुत ही एक सौम्यता से भरी हुई साधारण परिवार से संबंध रखने वाली बच्ची, और उसके साथ इतना जघन्य अपराध इस देश के अंदर हुआ है। और कल जो उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री जी का फोन आया, उसके बाद हमने एक्शन ले लिया गया। अरे हद होती है बच्ची का रेप करके, और उसके बावजूद बच्ची की जीवा काट दी जाती है, बच्ची का पैर कुचल दिया जाता है, बच्ची के पैर मसल दिए जाते हैं,
उसके बाद उस बच्ची वो बच्ची अपने भाई के साथ जब वो पुलिस थाना में प्राथमिकी दर्ज कराने जाती है वहां पे उसकी प्राथमिकी दर्ज नहीं की जाती है। और ये हिंदुस्तान है कि हिंदुस्तान के अंदर ये कौन से जंगल राज की सरकार चल रही है? मैं पूछना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री।